हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल बीनस क्रिएशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करारी क्रिस्पी आलू टिक्की की रेसिपी। तो ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाती है, इसे बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और घर में मिलते इंग्रेडिएंट में से बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, झटपट बनने वाली आलू टिक्की की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो आलू टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें बॉयल आलू ले लेने हैं। तो 5-7 आलू को मैंने यहाँ पर उबाल लिया है। उबालने के बाद मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, ताकि इसे मैश करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए और ज़्यादा ये हाथों में ना चिपके और जब हम इसे फ्राई करें तो तेल में फूटे ना। तो ये स्टेप करना ज़रूरी है, इसे आप ज़रूर से फ्रिज में रखें। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देंगे और ये है चिली फ्लेक्स। तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा आप कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर चिली फ्लेक्स का ऐड करना है। और ये है चाट मसाला करीबन 1 टीस्पून जितना, और ये है हरा धनिया जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है, और ये है लाल मिर्च। तो तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून जितना गर्म मसाला ऐड कर देंगे, और ये है काला नमक 1/2 टीस्पून। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा, उसकी जगह आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। तो करीबन 1/2 कटोरी जितना मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को हम एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। कभी आपको कुछ समझ में ना आता हो तो आप ये झटपट बनने वाली रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। तो बाकी बचा जो आटा था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कप ले लिया है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसके शेप की हम टिक्की बनाएंगे। अगर आप चाहें तो हाथों से भी बना सकते हैं, हाथों से भी बहुत ही अच्छी टिक्की बनती है, लेकिन आप कप का या किसी कटोरी का नाप लेंगे तो एक टाइप की ही सारी टिक्की बनेगी। तो इसे हम अनमोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी आलू टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम सारी टिक्कियां बना लेंगे ताकि इसका जो शेप है वो एक तरीके का ही आए। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियां बना ली है, और अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दें, तो आपकी जो टिक्की है वो तेल में बिल्कुल भी नहीं फूटेगी। यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल ले लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है लेकिन थोड़ा बहुत तेल ले लिया है। आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसे हमें तेल में उलट पुलट करके पका लेना है, ध्यान रहे कि ये बिल्कुल टूटे ना। उसी तरीके से हमें इसे पकाना है। थोड़ी देर तेल में डालने के बाद ही हमें इसमें स्पैचुला ऐड करके इसे पलटना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं टिक्की का जो कलर है वो एकदम से चेंज हो चुका है, वो एकदम अच्छे से पक चुकी हैं। इसे पकाने के लिए हमें गैस की फ्लेम को स्लो ही रखना है, एकदम से हाई नहीं रखना है। इसे पकाने में थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, पर जो रेसिपी बनकर तैयार होगी वो बहुत ही मज़ेदार होगी खाने में। तो इसी तरीके से मैं सारी टिक्कियों को फ्राई कर लूँगी। तो इसे मैंने फ्रिज में रख रख के फ्राई करी है, तो आप भी इसी तरीके से फ्राई कीजिएगा अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो। अगर आप दूसरी फ्राई करते हैं तो दूसरे जो आपने टिक्की बना के रखी है उसे आप फ्रिज में रख दें, उसके बाद इसे फ्राई करें। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियों को फ्राई कर लिया है और हरी चटनी के साथ मैंने इसे सर्व कर दिया है। आप इसकी चाट बनाकर भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। दोस्तों, मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, ये कितनी क्रिस्पी बनी है, करारी बनी है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।